गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, यहाँ पे आज देख लीजिए, बाबू की तेल मालिश हो रही है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी धूप पे ही हो रही थी, मॉर्निंग का टाइम था तो थोड़ा उसे जुकाम वगैरह हो गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसका जो नाभि है नेवल, उसमें सरसों का तेल डाला जा रहा है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है जुकाम वगैरह हो जाता है। तो सरसों का तेल अगर नाभि में डालने से एक तो सर्दी जुकाम में भी बहुत फायदा होता है, कोई भी डाल सकता है, हर एज के लोग डाल सकते हैं। और इससे नाभि भी साफ़ हो जाती है, जैसे गंदगी वगैरह हो जाती है। तो तेल डाल के और उसको रुई वगैरह, कॉटन वगैरह से अच्छे से साफ कर सकते हैं, या साफ कॉटन के जो कपड़ा होता है उससे भी साफ किया जा सकता है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि नाभि कैसे साफ किया जाता है। तो ये थोड़ा आप वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो ये शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे मालिश वगैरह हो रही थी और इसको ना बहुत जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह हो गया था। तो इसलिए धूप में इसकी मालिश की जा रही थी, क्योंकि बहुत फायदा होता है। और ये मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, तो इस मौसम में ज़्यादा बीमारियां हो जाती है। तो पहले तो बच्चे और बुजुर्ग ही बीमार पड़ते थे, बट अब तो हर एज के लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि रहन सहन खान पान सही से नहीं हो पाता है। लोग टाइम से ना खाते हैं, ना टाइम से सोते हैं, और लेट नाइट जगे रहने से और हेल्दी खाना वगैरह नहीं खाने से बीमार पड़ जाते हैं। तो देख सकती है इस तरह से मालिश हो रही थी, और ये बिल्कुल भी तेल लगवाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तभी सरसों का तेल ही लगाया जा रहा था, और अभी विंटर विंटर में ही लगाते हैं सरसों का तेल, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है। और समर में तो फिर ऑलिव ऑयल या फिर बहुत सारा है ऑयल, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा, जैतून का तेल तो हो गया ऑलिव ऑयल, और भी हाँ डाबर का लाल तेल, ये सब वगैरह से इसकी मालिश की जाती है। बट विंटर में सरसों के तेल से ही मालिश किया जाता है। तो इस तरह से छोटे बच्चों की मालिश अगर धूप में बैठ के की जाए ना, तो उसे बहुत फ़ायदा होता है विंटर में, और इस मौसम में मॉर्निंग में, नहीं तो मॉर्निंग में कर सकते। मॉर्निंग का जो धूप होता है, सनलाइट, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। और ऐसे डायरेक्ट सनलाइट जो नाभि वगैरह में पड़ता है या शरीर पर पड़ता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चे लोग को, स्पेशली बुजुर्ग भी बैठ सकते हैं, हर एज के लोग भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोग को ये बताया, इस तरह से नाभि में सरसों का तेल कोई भी डाल सकता है, जैसे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये दूसरे दिन की पहले की वीडियो क्लिप है जो मैंने ऐड कर दी है। घर में पूजा हो रही थी, तो वही मैंने आप लोग के साथ, भूमि पूजन हो रही थी, जेठानी जी करवा रही थी, तो यहाँ पे तो उसी की तैयारियाँ चल रही थी। मैं और देवरानी जी हैं, तो यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स कट कर रहे थे गाइस।